शताब्दियों से पूर्व जब इस पूरे आर्यव्रत यानी कि भारत में राजतंत्र चला करता था, उस वक्त राजतंत्र को चलाने के साथ साथ जो कार्यकर्ता होते थे उसमें से बहुत सारे कार्यकर्ता स्त्री सुरक्षा और राज के राजसी किले की सुरक्षा में तैनात हुआ करते थे। उन सुरक्षा कर्मियों में न सिर्फ पुरुष होते थे बल्कि महिलाएं भी होती थी जो अपने राष्ट्र के रक्षा और नारी सुरक्षा के लिए अपनी आन बान शान को न्यौछावर कर दिया करते थे। और ऐसा माना जाता है कि राजतंत्र तब उनको अपने परिवार में से ही चुनकर एक पदवी दिया करता था जिसको सरगरा कहा करते थे। सरगरा वो प्रजाति है जो आज भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, लेकिन इतिहास में इनके बड़े से बड़े कारनामों को भी इस तरह से मिटा दिया गया कि आज ये जाति स्वयं के परिचय और पहचान के लिए मोहताज हो गई है। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार बस और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अभिवेश वैदिक संस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रजाति और भारत में पाए जाने वाली एक ऐसी जाति के विषय में चर्चा करेंगे जिन्होंने राजतंत्र किले का मैनेजमेंट और जब राजा अनुपस्थित हुआ करते थे उस वक्त राजतंत्र को सही से चलाने, स्त्रियों की सुरक्षा करने और बालकों की सुरक्षा करने एवं राजाओं के घरों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दिया और राष्ट्र के धन को सुरक्षित रखने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। दोस्तों, सरगरा जाति न सिर्फ किले को ही मैनेज करती थी, न सिर्फ पूरे किले की सुरक्षा व्यवस्था पर ही फोकस करती थी बल्कि उसका कार्य उस समय किले में रहने वाली राजा रानियों और उनके बच्चों का भी सुरक्षा करना हुआ करता था। दोस्तों, जब राजतंत्र चलता था तो उस वक्त किले का प्रबंधन एक बहुत बड़ा कार्य हुआ करता था। ये कोई सिंपल कार्य नहीं था। यदि आप आज भी देखें तो लाल किला हो या कोई भी जो हमारी पौराणिक बिल्डिंग है उनमें कितने ज्यादा कर्मचारी की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार जब उस समय राजतंत्र हुआ करता था तो राजाओं के सबसे ज्यादा विश्वसनीय, सबसे ज्यादा करीबी और शस्त्र विद्या में जो पारंगत होते थे वो सरगरा जात के लोग होते थे और इनका रहना किले के भीतर ही हुआ करता था। और किले के अंदर ये सिर्फ न सिर्फ किले की व्यवस्था को देखते थे बल्कि किले की सुरक्षा को भी बहुत ही कायदे से निभाया करते थे। ये वो जाति है जिसकी उत्पत्ति राजा बलि से मिलती है, ये वो जाति है जिसकी उत्पत्ति का प्रमाण राजा सगर है, ये वो जाति है जिसका प्रमाण कोटा में आज भी किशोरी सगर किला जिसको आप भूतिया किला कहा जाने लगा है। क्यों कहा जाने लगा है इसके पीछे भी बहुत सारे तथ्य हैं, उस पर हम किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, आज उस जाति को नमन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और जितना भी अध्ययन आप सरगरा जाति के बारे में करेंगे आपको पता चलेगा कि राजाओं के समय पर राजाओं की सुरक्षा, राजाओं की गोपनीयता को बरकरार जिस जाति ने रखा है वो जाति सरगरा जाति रही है। लेकिन आज के इस माहौल में न जाने किस तरह से इस जाति को अनदेखा किया गया और इसको हीन भावना की दृष्टि से देखा जाने लगा। अगर आप आज देखें तो जितने भी पौराणिक या ऐतिहासिक भवन है उसकी व्यवस्था को चलाने के लिए अच्छे अच्छे IPS IAS को अपॉइंट किया जाता है, वहाँ की व्यवस्था किस तरह से पढ़े लिखे लोगों के हाथों में जाती है, इसी प्रकार यदि आप अनुमान लगाएं तो पहले भी उन किलों और उन महलों को सुरक्षा के लिए अच्छे ही लोगों का नियुक्ति किया जाता रहा होगा, विश्वसनीय लोगों की नियुक्ति किए जाती रही होगी। तो किस आधार पर इन जाति के लोगों को आज हीन बताया गया या छोटा बताया गया या इनके कार्यों को अनदेखा किया गया? देखा जाए तो ये राजा बलि के संतत कहे जाते हैं, पुराणों में इनकी व्याख्या मिलती है और भागवत महापुराण में तो राजा बलि की कथा से राजा सगर की कथा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी सरगराओं के काफी जुड़े हुए काफी जानकारी आपको वहां से मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से उन सभी जाति के भाइयों को प्रणाम करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गोपनीयता के साथ साथ सुरक्षा को भी मेंटेन रखा और उनको सभी देशवासियों को सलूट करना चाहिए और हमें उस हीन भावना से निकल कर बाहर आना चाहिए कि राज या राजतंत्र के अंडर काम करने वाले लोग छोटे बड़े होते थे, ये हमारी सनातन संस्कृति किसी भी तरह से हमको कभी सिखाती ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको जागृत करने आया हूँ कि आप वो जाति हैं जिसने विश्वसनीयता को कभी नहीं तोड़ा, जिसने अपने राजा के दिए हुए वचनों को कभी नहीं तोड़ा, जिसने राजाओं की अनुपस्थिति में उनके रानियों की सुरक्षा की और अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। आप सभी सच्चे देशभक्त हैं
और सच्चे हिंदुस्तानी हैं। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं राज अभिषेक कुमार पद आज आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सरगरा जाति से आने वाले कुछ वीडियो आपके जीवन को बदल कर रख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।